हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। सो हम जनरल पैथोलॉजी का सेकंड लास्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक थ्रोम्बोसिस के बारे में पढ़ा है, और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एम्बोलिज्म। हमारा थ्रोम्बोसिस इसके पिछले वीडियो में हुआ है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर सबसे पहले थ्रोम्बोसिस क्या होता है और थ्रोम्बोसिस पर उसके इफेक्ट कैसे कैसे या फिर थ्रोम्बोसिस के कॉम्प्लिकेशन पर 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो आप सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखें। देन हम सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस का सेकंड टॉपिक आज देखेंगे जो कि है एम्बोलिज्म। अभी थ्रोम्बोसिस क्या होता है ये तो आपको पता चलेगा है। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, जो भी हमारे ब्लड के सेल्स है जब उनका क्लंपिंग हो जाता है और जब वो हमारे जो हमारे वेसल्स वेसल पर अटैच हो जाते हैं तो और जो नॉर्मल सर्कुलेशन या फिर जो फ्लो है ब्लड का उसको रोक देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अभी एम्बोलिज्म क्या होता है, जब भी किसी भी तरह का पार्टिकल, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसेस पार्टिकल हो, जब या फिर फॉरेन बॉडीज हो, ऐसे पार्टिकल जब हमारे फ्लो के साथ बहते और किसी जगह पर अटक जाते या फिर जो भी स्मॉल वेसल्स है स्मॉल वेसल्स में वो अटक जाते, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बोलिज्म कहते हैं। एम्बोलिज्म यानी कि क्या, एक किसी भी तरह का पार्टिकल जो हमारे ब्लड के साथ फ्लो हो रहा है, जो कि हमारे ब्लड का कंस्टिट्यूएंट नहीं और फिर ब्लड का कंस्टिट्यूएंट भी है तो फिर उसका क्या है, वो क्लंप फॉर्म है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बोलिज्म। यानी क्या, इंट्रावेस्कुलर मासेस डिटैच फ्रॉम इट्स ओरिजिन। जैसे कि 90% ऑफ एम्बोलस कम्स फ्रॉम द थ्रोम्बस। अभी थ्रोम्बस क्या होता है, थ्रोम्बस ये हमारे नॉर्मल ब्लड वेसल रहते हैं और नॉर्मल ब्लड वेसल में ये जो थ्रोम्बोसिस फॉर्म होता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, और ये जो ब्रेक बना हुआ है, ये जो नॉर्मल सर्कुलेशन चल रहा है, नॉर्मल सर्कुलेशन में ये जो बन रहा है हमारे जो ब्लड के सेल्स है उनका क्लंपिंग होकर जो बना है और फिर उनके ग्रुप का जो बना है, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अभी इस थ्रोम्बोसिस का एक छोटा सा पार्ट, समझो ऐसा एक पार्ट इससे डिटैच हो गया और ये जो छोटा पार्ट है, ये छोटा पार्ट अभी ब्लड के साथ फ्लो होने लगा और आगे जाकर ये आर्टरीज से डिवाइड हो गई। अभी डिवाइड हो गई तो इसका इतना साइज है, ये इतना साइज में इसमें आसानी से फ्लो कर पा रहा है पर किधर किधर अटक रहा है, और आगे जाकर ये आर्टरी और दो पार्ट में डिवाइड हो गई तो ये क्या करेगा, इधर जाकर अटक जाएगा। तो इस कंडीशन ऐसे ये जो सर्कुलेटरी या फिर नॉर्मल सर्कुलेशन के साथ जो बहता है, जो इससे थ्रोम्बोसिस से डिटैच हुआ रहता है, इस पार्टिकल को हम एम्बोलस कहते हैं और इस सारी प्रोसेस को हम एम्बोलिज्म कहते हैं। एम्बोलिज्म यानी क्या, जब ये एम्बोलस किसी तरह का ब्लड सर्कुलेशन में स्टॉप लगा देता है, उसे हम कहते हैं एम्बोलिज्म। आए समझ में, तो ऐसी है एम्बोलिज्म की कंसेप्ट। थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म 90% सिमिलर ही है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि जो भी हमारा थ्रोम्बोसिस है वो हमारी एक जगह पर एडहेरेंट रहता है या फिर एक ही जगह पर रहता है, और जो एम्बोलिज्म रहता है, एम्बोलस क्या करता है, हमारे ब्लड के फ्लो के साथ बहता जाता है और जब उसको जगह नहीं मिल पाती तो ऐसा अटक जाता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एम्बोलिज्म कहते हैं। अभी 90% एम्बोलिज्म कैसा होता है, वो हमारे जो थ्रोम्बस बना है, जो हमारा थ्रोम्बोसिस हुआ है, तो थ्रोम्बोसिस का छोटा सा पार्ट डिटैच हो जाता है ब्लड फ्लो के साथ साथ, उसे वो 90% रहते हैं। तो अभी हम एम्बोलिज्म के टाइप्स देखते हैं। अभी एम्बोलिज्म के टाइप्स कौन से हैं, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट ऑफ एम्बोलाई, यानी कि एम्बोलाई का कंपोनेंट कैसा है, उसमें सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस तीन आते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सॉलिड, तो सॉलिड एम्बोलाई कौन से होते हैं, डिटैच थ्रोम्ब, यानी कि थ्रोम्बोस जो भी थ्रोम्बिस फॉर्म हुआ है उस थ्रोम्बिस का जो छोटा पार्ट रहता है उसे हम डिटैच थ्रोम्ब रहते हैं। देन एथ्रोमेटस मटेरियल, यानी कि जो ब्लड के कंपोनेंट्स है, आरबीसीज है, उनका जो कंपोनेंट्स रहता है उसे एथ्रोमेटस मटेरियल कहते हैं। देन ट्यूमर सेल क्लंप, जो भी हमारे ट्यूमर सेल्स रहते हैं, एक ट्यूमर सेल, दो ट्यूमर सेल, जैसे एक ट्यूमर सेल का मिलकर हमारे ग्रेप्स का जैसा क्लंप रहता है, ऐसा एक क्लंप बनता है सारे ट्यूमर सेल का मिलकर, जो कि हम जिसे हम मेटास्टेसिस भी कह सकते हैं, यानी कि जब भी कोई कैंसरस जो आपका कैंसरस ट्यूमर रहता है, तो कैंसरस ट्यूमर सपोज इधर आपका एक कैंसरस ट्यूमर है तो मेटास्टेसिस में क्या होता है, इसका जो छोटा पार्ट है वो हमारे ब्लड में आ जाता है और ये क्या हमारे ट्यूमर सेल्स का जो क्लंपिंग है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर सेल क्लंप, और ये भी क्या करता है, हमारे बॉडी में एम्बोलिज्म फॉर्म कर सकता है। देन टिश्यू फ्रेगमेंट, किसी भी टाइप का टिश्यू है या फिर टिश्यू का छोटा सा पार्ट है वो भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ जब बहता है तो उसे हम एम्बोलिज्म कहते हैं। देन एनी टाइप ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स यानी क्या, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया रहते हैं जो या फिर पैरासाइट रहते हैं, जब वो भी कुछ क्लंपिंग फॉर्म में आ जाते हैं, जब एकदम माइक्रोस्कोपिक है तो माइक्रोस्कोपिक तो कुछ आपका ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस नहीं ला सकता, पर जब उनका क्लंप हो या फिर ग्रुप हो तो ऐसे कंडीशन में आपको
एम्बोलिज्म हो सकता है, देन बैक्टीरियल क्लम, पैरासाइट्स और बैक्टीरियल क्लम, देन फॉरेन बॉडीज, किसी भी तरह का फॉरेन बॉडीज, किसी भी तरह के जब ऑपरेशंस होते हैं तो ऑपरेशंस में अगर कुछ फॉरेन बॉडीज रह जाए या फिर कुछ हमारे जो हेरे जब ऑपरेशन में कुछ मटेरियल यूज करते हैं, सपोज हमारे सूचर के मटेरियल रहते हैं उसका अगर कुछ पार्ट आपके ब्लड वेसल में चला जाए या फिर जो हम ग्राफ्टिंग के लिए या फिर जो ड्रेसिंग के लिए मटेरियल यूज करते हैं अगर उनमें से कुछ आर्टरीज में चला जाए तो उस कंडीशन में भी फॉरेन बॉडीज, उसे हम फॉरेन बॉडीज का एम्बोलिज्म कह सकते हैं। देन लिक्विड, अभी ये हुआ सॉलिड, सॉलिड्स में सबसे 90% का है आपका डिटैच थ्रॉम्बस। देन लिक्विड में देखते हैं सबसे पहले आता है फ्लैट ग्लोबुल्स, फ्लैट ग्लोबुल्स यानी कि जो हम फ्लैट कंज्यूम करते हैं जो हमारे ब्लड में जाती है उसके जब ग्लोबुल्स फॉर्म होते हैं तो उसे हम लिक्विड एम्बोलिज्म कहते हैं। देन एमिनोटिक फ्लूड, अभी एमिनोटिक फ्लूड क्या रहता है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती है तो प्रेग्नेंट वुमेन्स का जो यूटेरस रहता है, यूटेरस में बेबी रहता है तो वो बेबी को सराउंड किया, बेबी एक एमिनोटिक सैक में प्रेजेंट रहते हैं और एमिनोटिक सैक में एमिनोटिक फ्लूड रहता है तो उस एमिनोटिक फ्लूड जब भी या फिर जब भी सीजरियन सेक्शन का डिलीवरी वगैरह होता है तो ये एमिनोटिक फ्लूड आपके सर्कुलेशन में जाने के चांसेस रहते हैं, जब भी आप प्लेसेंटा वगैरह कट करते हैं तो बच्चे में भी आने के चांसेस रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एमिनोटिक फ्लूड का एम्बोलिज्म है। या फिर बोन मैरो, जो भी हमारा बोन मैरो रहता है तो बोन मैरो से भी ये बहुत ही लिस्ट है एमिनोटिक फ्लूड और बोन मैरो और फैट ग्लोबुल्स भी, फ्लैट ग्लोबुल्स से भी ज़्यादा एम्बोलिज्म नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा डिटैच थ्रोम्बोसिस यानी कि जिस पेशेंट को थ्रोम्बोसिस है उसको या फिर उसको 100% आपका एम्बोलिज्म होने वाला है ऐसा समझ कर चले। देन गैसेस, गैसेस में देखें तो क्या, एयर, एयर में सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस, अदर गैसेस में अगर हम देखें तो अदर गैसेस कौन से है, जब भी हम किसी पेशेंट को सलाइन आईवी इंजेक्शन देते हैं या फिर आईवी इन्फ्यूजन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सीरिंज है सीरिंज में जो ऊपर एयर आता है तो हम वो एयर निकाल देते हैं तो उस एयर से भी एम्बोलिज्म होता है जिसे हम गैसेस एम्बोलिज्म कहते हैं। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट यानी कि एम्बोलिज्म के कंपोनेंट्स क्या है, उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अभी देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, उसमें कौन सा आता है, ब्लेंड और सेप्टिक। ब्लेंड यानी कि क्या, जब भी किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता यानी कि विदाउट इन्फेक्शन जो एम्बोलिज्म है उसे हम ब्लेंड एम्बोलिज्म कहते हैं और जो एम्बोलिज्म इन्फेक्शन के साथ साथ आता है उसे हम कहते हैं सेप्टिक, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से जो एम्बोलिज्म होते हैं उसे हम सेप्टिक एम्बोलिज्म बोलते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एम्बोला यानी कि अभी एम्बोला का सोर्स कौन सा है, फर्स्ट वन इज द कार्डियक एम्बोला यानी कि जो हमारा सीबीटीएस या फिर हमारा जो हार्ट का सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फॉर्म होते हैं उसे हम कार्डियक एम्बोला बोलते हैं, जो हमारे हार्ट में कौन से साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड में फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक एम्बोला। देन आर्टेरियल एम्बोला, आर्टेरियल एम्बोला यानी कि जो एम्बोलिज्म आपके जब यानी कि जो एम्बोला आपके आर्टरीज में प्रेजेंट है उसे हम आर्टेरियल एम्बोला कहते हैं। देन वेनस एम्बोला, वेनस एम्बोला यानी कि क्या, जो आपके वेन्स में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, वेनस एम्बोला। अभी वेनस एम्बोला का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखें तो आपका इंट्रावेनस इन्फ्यूजन और आर्टेरियल एम्बोला का अगर आप एग्जांपल देखें तो किसी भी तरह का हेड और नेक की सर्जरीज होती है तो उस कंडीशन में आर्टेरियल एम्बोला होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वेनस एम्बोला कब होता है, जब भी आप किसी पेशेंट को इन्फ्यूजन लगाते हो या फिर सलाइन लगाते हो या फिर इंट्रावेनस इंजेक्शंस देते हो तो इंट्रावेनस इंजेक्शन में हम जब वो आईवी सेट लगाते हैं तो क्या करते हैं, आईवी सेट में जो पूरा एयर रहता है वो एयर हम निकाल लेते हैं। जब भी एक नॉर्मल एयर अगर आपका थोड़ा फार एयर चला जाता है तो उससे कुछ नहीं होता, पर अगर आपको 60 ml या फिर 60-70 ml तक का एयर अगर आपके बॉडी में जाता है तो उस एयर से एम्बोलिज्म हो सकता है और वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। देन लिम्फैटिक एम्बोला, जो हमारे लिम्फैटिक जो वेसल्स रहती है, लिम्फ सिस्टम रहती है, तो लिम्फैटिक सिस्टम में अगर कुछ तरह का एम्बोलिज्म फॉर्म होता है तो उसे हम लिम्फैटिक एम्बोला कहते हैं। अभी आपके लिए एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट है वो है एयर एम्बोलिज्म, क्योंकि एयर एम्बोलिज्म पर हमें एप्लाइड देखने को मिलते हैं। क्या एप्लाइड देखने को मिलते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा जो जब भी हम आईवी इन्फ्यूजन देते हैं तो उस जब हम आईवी इन्फ्यूजन देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो एयर निकालते हैं, तो इसीलिए एयर एम्बोलिज्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है और पैथोलॉजी के एग्जाम में 5 मार्क के लिए एयर एम्बोलिज्म पर एक शॉर्ट नोट भी आती है। तो देखते हैं एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, तो एयर एम्बोलिज्म मोस्टली 2 एयर से होता है, एक नाइट्रोजन और एयर। अभी नाइट्रोजन वो तो आपको पता है नाइट्रोजन गैस रहती है और ये जो एयर है ये हमारे जो आईवी थ्रू जाता है तो उसे हम एयर नॉर्मल एयर कहते हैं, क्योंकि वो हमारा जो एनवायरमेंटल का रहता है हम एनवायरमेंटल में वो एस्पायरेट वगैरह करते हैं तो उसे हम नॉर्मल एयर बोलेंगे। तो सबसे पहले एयर एम्बोलिज्म के टाइप्स देखते हैं, उसमें वेनस एम्बोलिज्म, आर्टेरियल एयर एम्बोलिज्म एंड डिकॉम्प्रेशन सिकनेस। तो ऐसे
तीन इसके सब टॉपिक रहते थे। सबसे पहले रहते वेनस एम्बोलिज्म। अभी वेनस एम्बोलिज्म के कॉजेस अगर देखे तो वेनस एम्बोलिज्म के कॉजेस कौन से, हेड एंड नेक ऑपरेशन, यानी कि किसी तरह के हेड एंड नेक ऑपरेशन में क्या रहते हैं, आपके जो जुगुलर वेन्स है उन जुगुलर वेन्स का ओपन करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में उनमें अगर कुछ एयर जाता है तो उससे आपको वेनस एम्बोलिज्म हो सकता है। देन ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन, यानी कि जो सीजरियन सेक्शन सी, यानी कि सी सीजरियन सेक्शन, जो आपकी सीजरियन डिलीवरी रहती है उस कंडीशन में भी वेनस एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ते हैं। देन आईवी इन्फ्यूजन, आप जब आईवी से या फिर पेशेंट को आईवी साइलेंस देते हो। देन एंजियोग्राफी, जब भी पेशेंट की एंजियोग्राफी, हम हमारे जो कार्डियक की कंडीशन है तो कार्डियक के डायग्नोसिस के लिए एंजियोग्राफी करते हैं, यानी कि जो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज है तो कोरोनरी आर्टरीज में किसी तरह का ब्लॉकेज वगैरह देखने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। तो उस कंडीशन में भी वेनस एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ वेनस एम्बोलिज्म का। अभी इफेक्ट ऑफ द वेनस एम्बोलिज्म इज डिपेंड ऑन, यानी कि वेनस एम्बोलिज्म का जो मेन इफेक्ट है, या फिर इस कंडीशन में अगर आप जाते हो तो आपका वेनस एम्बोलिज्म आपको कॉम्प्लिकेशंस दिखा सकता है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि 100 टू 150 ml तक अगर एयर जाता है तो वो नॉर्मल है। अगर इससे या फिर इस वॉल्यूम से ज़्यादा एयर अगर आप में चला जाता है तो वो आपके लिए क्या करता है, किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। मेनली ये 100 और 150 ml भी नॉर्मल वैल्यू नहीं है, इससे भी आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। रैपिडिटी, रैपिडिटी यानी कि क्या, अगर आपका छोटा एयर है बट वो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है तो उस कंडीशन में भी आपका जो वेनस एम्बोलिज्म का जो इफेक्ट है या फिर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं। पेशेंट की पोजीशन, अगर पेशेंट अप फॉरवर्ड या फिर स्ट्रेट पोजीशन में है तो क्या जब भी किसी तरह का एयर जाता है, हमें नॉर्मली पता है कि एयर का फ्लो ऊपर की तरह रहता है या फिर अपवर्ड के अपवर्ड पोजिशन में एयर का फ्लो रहता है, या फिर जब जिस किस भी तरह का अगर एयर आपके वेंस में चला जाता है तो वो एयर सीधा किधर जाएगा आपके, चाहे आपने इधर से कुछ आईवी सलाइन लगाया तो उसमें से थोड़ा फार एयर गया, वो एयर आपके सीधा किधर जाएगा, क्योंकि एयर का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन है, तो वो सीधा आपके ब्रेन में जाएगा। अगर आपके ब्रेन में गया तो ब्रेन में आपको इन्फ्रैक्शन वगैरह हो सकता है या फिर ब्रेन में एम्बोलिज्म हो सकता है। अभी ब्रेन में एम्बोलिज्म हो गया तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी बॉडी पर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो पोजिशन भी अफेक्ट करती है। देन पेशेंट कंडीशन है कि जो सीरियस इल पेशेंट्स है उनमें 40 ml तक का भी एयर कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है या फिर पेशेंट की सीधा डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे ये सारे फैक्टर्स है जो कि वेनस एयर एम्बोलिज्म पर अफेक्ट करते हैं। देन सेकंड वन देखते हैं आर्टेरियल एम्बोलिज्म। तो आर्टेरियल एम्बोलिज्म में फर्स्ट कॉज का है सीवीटी ट्रॉमा, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक ट्रॉमा। कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक ट्रॉमा अगर हो जाता है उसमें कौन सी कंडीशन है, सीवीटीएस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी, किसी भी तरह की कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की सर्जरीज और आपकी थोरस की सर्जरीज से भी आपको आर्टेरियल एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ते हैं। देन लंग रप्चर, आपके लंग का कुछ इन्फेक्शन, न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, न्यूमोथोरैक्स की वजह से या फिर लंग में एब्सेस वगैरह हो जाते हैं, तो लंग का जब भी कुछ रप्चर हो जाता है, लंग अगर रप्चर हो गए तो उस कंडीशन में भी आर्टेरियल एम्बोलिज्म होता है। एंड वुंड्स इन द लंग या फिर पेनिट्रेटिंग वुंड्स इन द लंग या फिर आपके लंग्स में किसी तरह के लेजन्स बन गए या फिर बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टेरियल एम्बोलिज्म भी होता है। देन पैराडॉक्सिकल इफेक्ट, अभी पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्या रहते हैं, जो भी आपका वेनस साइड अगर आपके कुछ जो भी वेनस एम्बोलिज्म से किधर का आपका, हाँ ये वेनस एम्बोलिज्म, जब भी वेनस एम्बोलिज्म आपके आर्टेरियल साइड में आता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिकल इफेक्ट कहते हैं या फिर जो उसे हम पैराडॉक्सिकल एम्बोलाइज कह सकते हैं। अभी जो भी आपके आर्टेरियो वेंट्रिकुलर शंट रहते हैं तो उन शंट से या फिर आपका जो फोरामेन ओवल रहते हैं तो फोरामेन ओवल से वेनस साइड से आर्टेरियल साइड में जब भी कुछ एम्बोलस आता है तो उसे हम पैराडॉक्सिकल इफेक्ट कहते हैं। तो ये दो मेन टाइप्स है आपके एयर एम्बोलिज्म में, फर्स्ट वन इज वेनस एम्बोलिज्म एंड सेकंड वन इज द आर्टेरियल एम्बोलिज्म। ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका जो क्लिनिकल बेसिस है या फिर क्लिनिकल बेसिस पर ये दो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टेरियल में और एक देखें तो जो आर्टेरियल लाइन पेशेंट को डालते हैं आर्टेरियल लाइन, तो आर्टेरियल लाइन से भी बहुत बार एयर जाता है, तो उससे भी एयर एम्बोलिज्म या फिर आर्टेरियल एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। और नेक्स्ट क्या है, डीकॉम्प्रेशन सिकनेस। अभी डीकॉम्प्रेशन सिकनेस आपके एक बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी उस पर डिपेंड रहता है, या फिर इसमें पेशेंट इल हो या फिर पेशेंट को कुछ आईवी इन्फ्यूजन, ऐसा कुछ भी रीजन नहीं होता। अभी डीकॉम्प्रेशन सिकनेस कैसे वर्क करता है, डीकॉम्प्रेशन सिकनेस आपका जो एक फिजिकल प्रोसेस या फिर फिजियोलॉजिकल, जो फिजिक्स में आपने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर केमिस्ट्री में आपने सुना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉडी पर कैसे
रिएक्ट करता है और इसकी वजह से डिकॉम्प्रेशन सिकनेस होता है, और उसके वजह से क्या होता है आपका डिकॉम्प्रेशन सिकनेस के जो एम्बोलिज्म रहते हैं, जिसमें हमने इधर देखा था नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बबल्स आपके ब्लड फ्लो में फॉर्म होते हैं किसमें, डिकॉम्प्रेशन सिकनेस में। अभी डिकॉम्प्रेशन सिकनेस की पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही ईजी है। तो डिकॉम्प्रेशन सिकनेस मेनली कौन से पर्सन में देखा जाता है, जो पर्सन सबमरीन्स में वर्क करते हैं, सबमरीन्स यानी कि क्या, अभी सबमरीन्स सब यानी कि नीचे, मरीन्स यानी कि क्या जो भी हमारा मरीन है या फिर सी है, ओशियन है, तो ओशन में जो नीचे बहुत ही ज़्यादा नीचे लोग वर्क करते हैं सबमरीन्स में, उन पेशेंट्स में डिकॉम्प्रेशन उन पर्सन में डिकॉम्प्रेशन सिकनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिकॉम्प्रेशन सिकनेस में क्या होता है, अभी हम यानी कि जो हमारा सी है, तो सी का जो ऊपर का पार्ट है उधर एक नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो वो पर्सन क्या है सडनली वो सबमरीन से सी के अंदर जाते हैं या फिर समंदर के बीच में जाते हैं। जब भी समंदर के बीच में जाते हैं तो उधर क्या होता है, जो भी एटमोस्फेरिक गैसेस होते हैं, तो एटमोस्फेरिक गैसेस का उधर प्रेशर बढ़ता है या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर उधर गैसेस का ज़्यादा रहता है, तो वो पेशेंट पर या फिर उस पर्सन पर एक्ट करता है। तो क्या करता है, जो पेशेंट में जो नॉर्मल जो नाइट्रोजन रहता है, तो नाइट्रोजन क्या करते हैं, जो भी हमारे ब्लड्स और टिश्यूज है, तो वो टिश्यूज यूटिलाइज कर जाते हैं या फिर वो उनमें टिश्यूज में डिजॉल्व हो जाते हैं, हमारे बॉडी का जो सारा नाइट्रोजन है वो। जब भी पेशेंट क्या हुआ, अभी सपोज ये आपका एक सी का लेवल है और नीचे सारा आपका पानी है और ये आपका एक पर्सन है, अभी क्या हुआ, ये पर्सन ऐसे सबमरीन से नीचे गया, सडनली नीचे गया, अभी ये पर्सन इधर है, तो इधर क्या होगा, इस पर्सन में इधर जो भी उसका जो नॉर्मल नाइट्रोजन है बॉडी का, तो वो बॉडी का नाइट्रोजन बॉडी के जो टिश्यूज है तो वो टिश्यूज डिजोल्व कर लेंगे। और जब भी ये पेशेंट सडनली ऊपर आता है, तो सडनली ऊपर आने के बाद क्या होता है, जो आपका जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो सडनली चेंज होता है, क्योंकि सी के अंदर का एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। अभी एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, इसके वजह से जो नॉर्मल आपका नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन आपके टिश्यूज ने क्या यूटिलाइज कर लिया है या फिर टिश्यूज में डिजोल्व हो गया। अभी आपका जो पर्सन है वो पर्सन सबमरीन से सडनली ऊपर आ गया या फिर सी के जो अपवर्ड आ गया या फिर सी के वाटर के लेवल के पास आ गए, ऊपर आ गए उसके शिप में। तो क्या हुआ, जो भी नीचे का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो तो ऊपर से ज़्यादा था, यानी कि ऊपर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो आपके टिश्यूज ने जो भी नाइट्रोजन यूटिलाइज कर लिया है वो सडनली क्या होता है आपके ब्लड में रिलीज होता है। अभी थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन ऐसा आपके ब्लड में आता है और ये सारे नाइट्रोजन के बबल से एक बड़ा सा क्लंप फॉर्म करते हैं और इसकी वजह से आपको नाइट्रोजनस एयर एम्बोलिज्म होता है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है डिकॉम्प्रेशन सिकनेस के पीछे की। तो डिकॉम्प्रेशन सिकनेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा होता है जब भी पेशेंट सबमरीन में सडनली नीचे जाता है, तो नीचे एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहता है। जब भी एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो आपके बॉडी का जो नाइट्रोजन जो ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो किधर जाता है, आपके टिश्यूज में डिजोल्व हो जाता है, सारा सारा का सारा नाइट्रोजन आपके टिश्यूज में जाता है। जब आप सडनली ऊपर आ जाते हो, तो वो टिश्यूज ने जो नाइट्रोजन लिया था, क्यों नाइट्रोजन क्यों गया था टिश्यूज में, क्योंकि नीचे एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा था। अभी नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर में आ जाते हो, तो टिश्यू क्या करता है, वो सारा नाइट्रोजन रिलीज करता है। तो जब वो सारा नाइट्रोजन ब्लड में आता है, तो वो छोटे छोटे तरह का बबल्स फॉर्म करते हैं और वो सारे बबल्स मिलकर एक बड़ा बबल फॉर्म करते हैं, जिसे हम एम्बोलिज्म कहते हैं। तो ये हुआ डिकॉम्प्रेशन सिकनेस। तो ऐसा है एयर एम्बोलिज्म। अभी एयर एम्बोलिज्म के आप कॉम्प्लिकेशंस देखो, तो आपके जो टंग में पैलर टंग हो जाती है, देन बाकी के जो जो हमने पिछले वीडियो में देखा था हमने, तो थ्रोम्बोसिस के जो कॉम्प्लिकेशन है, तो उसी तरह के सेम कॉम्प्लिकेशन आप एयर एम्बोलिज्म के भी लिख सकते हो, यानी कि क्या आपके ब्रेन में या फिर आपको जब शॉक आता है, यानी कि ब्रेन की जो छोटे छोटे वेसल्स है उनमें एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में इंफ्रैक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेशेंट को पैरालिसिस आ जाता है। देन सडनली अगर आपके हार्ट में अगर एयर एम्बोलिज्म ट्रैप हो गया, तो उस कंडीशन में आपको हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है। तो ऐसे सारे कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के मोस्ट ऑफ सिमिलर कॉम्प्लिकेशन है, तो आप एग्जाम में वैसे लिख सकते हैं, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई, उसकी लिंक भी इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस का सेकंड टॉपिक देखा, जो कि हमारा एम्बोलिज्म। तो एम्बोलिज्म में हमने एम्बोलिज्म क्या रहता है वो देखा, आपको थ्रोम्बोसिस से पूरे एडहेरेंट प्रोसेस है एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस एक जगह पर रहता है और जब थ्रोम्बोसिस का छोटा सा पार्ट आपके ब्लड में फ्लो करने लगता है, तो उसे हम एम्बोलिज्म कहते हैं। देन एम्बोलिज्म के टाइप्स, सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट देखे थे, सॉलिड एम्बोलिज्म, लिक्विड एम्बोलिज्म एंड गैसेस एम्बोलिज्म। गैसेस में आपके जो नाइट्रोजन किसमें होता है, डिकॉम्प्रेशन सिकनेस में, और जो नॉर्मल एयर रहता है वो हमारे आई वी थ्रू जाता है। देन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, इफ इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो सेप्टिक है, इन्फेक्शन नहीं है तो ब्लेंड है।
देन अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ एम्बोलाई, कार्डियक एम्बोलाई, देन आर्टेरियल एम्बोलाई, देन वेनस एम्बोलाई और लिम्फेटिक एम्बोलाई। और आपके लिए 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फिर शॉर्ट नोट आती है, जो कि एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म के 3 टाइप्स है, फर्स्ट वन इज वेनस, सेकंड वन इज आर्टेरियल जो कि क्लिनिकल बेसिस पर रिलेटेड है, और डिकॉम्प्रेशन सिकनेस जो कि आपकी फिजिकल या फिर फिजिक्स की कुछ थ्योरी पर रिलेटेड है, जिसमें आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। तो वेनस प्रेशर, वेनस एम्बोलिज्म के कॉजेस का देखे हमने, हेड एंड नेक ऑपरेशन, ऑब्स्टेट्रिकल ऑपरेशन जिसमें हमने देखा था सीजर इन सी सेक्शन डिलीवरी, देन आईवी इन्फ्यूजन और एंजियोग्राफीज, देन इफेक्ट ऑफ द वेयर वेनस एम्बोलिज्म डिपेंड ऑन, यानी कि वेनस एम्बोलिज्म का इफेक्ट कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड रहते हैं। तो अमाउंट ऑफ एयर 100 to 150 ml, देन रैपिडिटी, ज़्यादा रैपिडिटी से छोटा भी एयर जाता है तो कॉम्प्लिकेशन ला सकते हैं। देन पोजिशन, पेशेंट आपका अपराइट पोजिशन में है तो आपका जो एम्बोलिज्म आपका सीधा आपके जो एयर है, एयर का फ्लो ऊपर से ऊपर रहता है, तो आपका वो एम्बोलिज्म सीधा आपके ब्रेन में जाता है और ब्रेन में आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। पेशेंट कंडीशन, अगर पेशेंट ईल है तो 40 ml तक का एयर भी उसको कॉम्प्लिकेशन ला सकते हैं। देन आर्टेरियल, नॉर्मली जो आपके कार्डियोवैस्कुलर और थोरेसिक सर्जरीज में आर्टेरियल एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डिकॉम्प्रेशन सिकनेस जो हमने अभी अभी देखा कि जो भी सबमरीन में वर्क करते हैं वो पेशेंट जब सडनली ऊपर आते हैं तो उनमें डिकॉम्प्रेशन सिकनेस वाले एम्बोलिज्म फॉर्म होते हैं। तो ये था एम्बोलिज्म पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एग्जाम के अकॉर्डिंगली, तो इस टॉपिक का नोट्स बनाइए। और एग्जाम में आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आता है, डिफाइन एम्बोलिज्म, देन उसके टाइप्स, और एयर एम्बोलिज्म पर एक बार शॉर्ट नोट पूछी गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।